अपने देश से प्यार है, मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है। अपने एबीवीपी के गुंडे ने उन्होंने भी नाल लेके कुटांगे। अटैक सी पूरा प्लैंड अटैक सी। खतरा दी ही आवाज दबाना चाहते हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की बात करेगा। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान इस समय राजनीतिक गतिविधियों से अछूता नहीं है। इन शहरों में चंडीगढ़ ने भी अपना स्थान बना लिया है। बीते रविवार दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुए दो छात्र गुटों के बीच खूनी संग्राम के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस प्रकार की घटना होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पीयू में एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों में कई बार ठनी है। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि पीयू में बन रहे हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं। छात्र संगठनों की राजनीति ने इस समय छात्र हितों को छोड़ राज्य और केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ऐसे तत्व जो छात्रों को भड़का रहे हैं। सुरक्षा से लेकर आउटसाइडर्स को रोकने में पीयू प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस लापरवाही का खामियाजा पड़ रहे दूसरे बच्चों को उठाना पड़ सकता है। सर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे हम भी हैं, यहाँ पे राइड कंट्रोल व्हीकल आया हुआ है, ठीक है, हम स्टूडेंट्स जो हैं हम नॉन वायलेंट हैं। आप बताओ हमारे पास वेपन्स कहाँ से आएंगे, हम क्यों करेंगे वेपन्स, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, और अगर ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम अपनी आवाज़ ना उठाएं और बोले ना तो फिर तो हमारी पढ़ाई बेकार है ना। लेकिन जो JNU में हुआ वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। आप देख रहे हैं कि जो ABBP के लोग आइडेंटिफाई किए गए सोशल मीडिया पे, अगर देखेंगे ऑथेंटिकली आइडेंटिफाई किया गया जिन लोगों ने अटैक किया है, और ये कितना गलत है, कितना गलत है। इसको ये तो होना ही नहीं चाहिए। किस ये केस क्या हो रहा है देश में हमारे, आप क्या मानते हो? अगर कोई सवाल पूछता है या कोई इसको बोलते हैं उसको देश दो ही बोलते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे बातें जब करते हो छात्रों के मन में क्या जाता है? सर हमारा देश है तभी तो हम खड़े हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं इसलिए तो हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम जाने देते ना। क्या फर्क पड़ता है? एक आम आदमी को तो अपनी रोटी कपड़ा मकान से मतलब है ना। मुझे तो मेरी पढ़ाई से मतलब है, मैं क्यों अपने लेक्चर छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है, और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। ये सवाल पूछने वाले लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिता। असी पूरी समझदारी नाल इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो JAMIA दे विच विद्यार्थियों ने अंदोलन किया उत्थे उन्होंने कुटिया, जो JNU च किया उत्थे उन्होंने कुटिया, ITO के बाहर प्रदर्शन च विद्यार्थियों को कुटिया, उत्थों तक तो फिर समझ आता है कि लोग विरोध कर रहे हैं सरकार कुटती है। होस्टलों के आके तुसी विद्यार्थियों उन्होंने कमरिया के लाइब्रेरिया कुटन लग पो तो सीधी गल है कि विद्यार्थी आम पढ़े लिखे होंगे ने बाकी तबकों नालों, तो विद्यार्थी जो सवाल पूछते हैं तो वो पूरे फैक्ट के पूछते हैं जी कि मोदी जी तुहाडे फलाने भाषण का फलाने एक्ट के तहत गलती है। तो अज सरकार ने कह दिता कि जड़ा भी बोलेगा उन्होंने कुटांगे, पुलिस को भी नाल लैके कुटांगे, बाकी जड़े उन्होंने अपने ABBP के गुंडे ने उन्होंने भी नाल लैके कुटांगे। क्योंकि हाँ जी अच्छा जो कल अटैक हुआ पूरा प्लैंड अटैक है, क्योंकि इमीजिएट उन्होंने होस्टल के एंटर करना, तो जो सिक्योरिटी है पूरी पुलिस है वो पूरी स्टेट के अंडर है, ठीक है। तो उन्होंने सारी मिली भुगत के नाल ये चीज़ा हो पाई हैं। इंपॉर्टेंस नूं एक तरह नाल रद्द करन लई, क्योंकि कल एक साइड तां शाहीन बाग दे विच 15 दिसंबर तो जिहड़ियां औरतां बैठियां सी उन्हां ते CRPF बुलाई जांदे, ते इधरले पासे JNU दे विच अटैक हो रहा, तां इह दोनों इंसीडेंट्स नूं सानूं थोड़ा रिलेट करके देखना चाहिए। JNU दे हमले साफ साफ दिख रहा है कि जो छात्र आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने दबाया जा रहा है, उन्होंने पता है कि अज्ज दे मेन पीढ़ी छात्र ही है, छात्र ही उन्होंने खिलाफ नारे लगा सकती है, छात्र ही सबनों अवेयर कर सकते हो, छात्रां दी ही आवाज़ दबाना चाहते हैं। उन्होंने पता है कि छात्रों को अपना परस्पैक्टिव है, वो मानते हैं अपनी गल्लां, तो वो किसी के होर जिवें रैलियां भी करते हैं पर उन्होंने रैलियां तो नहीं जाते, उन्होंने रैलियां सुनते हैं पर उन्होंने रैलियां को इन्ना ध्यान नहीं देंगे, वो अपने मोटिव है ने उन्होंने बिकाइया मतलब फालतू गलों के नहीं आते, जो वो बोलते वो नहीं मानते, वो अपने पूरा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वो पूरे रिजल्ट कटते हैं, तो उन्होंने सिर्फ कहे कोई गलों सीधा नहीं मानते, तो वही आवाज़ दबाना चाहते हैं क्योंकि वो आवाज़ उन्होंने खिलाफ़ काम कर रही है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸਰੇਆਮ ਪਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ
प्रेस करें।